हमास की कैद में फंसे बंधकों की रिहाई से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आतंकी संगठन हमास रूस के 8 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। रूस की अपील के बाद बंधकों की रिहाई के लिए हमास तैयार हुआ है। रूस ने अपने 8 बंधक नागरिकों की लिस्ट भी हमास को भेज दी है। वहीं दूसरी ओर हमास की ओर से आधिकारिक बयान भी जारी किया गया, जिसमें हमास ने रूस को अपना अच्छा मित्र बताया, जिसके चलते वो रूस के नागरिकों को छोड़ने के लिए तैयार है। गाजा में अब 2400 घंटे हवाई हमले हो रहे। इसराइल ने न सिर्फ हमास के एयर चीफ को मार डाला है, बल्कि 100 फाइटर जेट से गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा हवाई हमले कर दिए हैं। जिस तेजी से अटैक किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि अब इसराइल को रोकना नामुमकिन हो गया है।